आपने कभी ऑड इवन रूल तोड़ा है? नहीं, कभी नहीं। ये पटाखे मिल कर रहे थे? देखो पटाखे तो बाहर से आ रहे थे, दिल्ली में तो प्रतिबंधित था। वर्ल्ड कप का मैच थोड़ा देखा था। फेवरेट मूवी में सबसे ज्यादा तो लगान मैंने देखी है। दिल्ली सरकार से क्यों गुस्से में है लोग? दिल्ली की हवा ज्यादा खतरनाक है, जहरीली नागिन। मेरे कोट का कलर और दिल्ली का AQI लेवल दोनों इस वक्त लाल कलर में है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सर। वेलकम सर। सर इस वक्त दिल्ली की हवा जो है लाल रंग में है, 400 के ऊपर AQI है, लेकिन इससे मेरा सवाल कोई लेना देना नहीं है उससे। मेरा सवाल आपसे है कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? साफ हवा। साफ हवा निश्चित रूप से, साफ हवा, साफ पानी, बिल्कुल अच्छा संगीत। अच्छा संगीत, yes। आपके तीन अच्छे गाने आपने कौन से सुने, आपको कौन से पसंद आते हैं? नहीं, ज़्यादातर तो हम थोड़ा देशभक्ति या सोशल गाने सुनते रहते हैं। हाँ जी, आपको तीन आपकी फेवरेट मूवीज़ कौन सी हैं? फेवरेट मूवी में सबसे ज़्यादा तो लगान मैंने देखी है, और वो मुझे सबसे ज़्यादा। आपने वर्ल्ड कप का मैच देखा था? वर्ल्ड कप का मैच थोड़ा देखा था। लगान वाली फीलिंग ऐसे आई आपको कि इस बार मारी है, मार विराट ऐसे आली? नहीं, विराट ने तो अच्छा ही प्रदर्शन किया, लेकिन कई तरह की उसमें हमारी रणनीतिक थोड़ी प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से हम जीत सकते थे लेकिन जीत से हम दूर हो गए। आपके दोस्त आपको किस तीन निकनेम से कैसे बुलाते हैं? केजरीवाल जी आपको सॉल्यूशन मेकर बुलाते होंगे, मेरा तो पक्का, मैं श्योर हूँ। और आपको क्या लगता है? सब नॉर्मली नाम से बुलाते हैं। नॉर्मल नाम से? आपको कोई नहीं लगता आप सॉल्यूशन गिवर हैं? आप हमेशा टेबल पर जब बैठते हैं तो लगता है हाँ जी गोपाल सर आ गए हैं, आप कुछ सॉल्यूशन आएगा? नहीं, देखिए पूरी अरविंद जी के नेतृत्व में पूरी सरकार की जद्दोजहद है कि सॉल्यूशन दिया जाए, सभी लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन दिया जाए। आप सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव रहते हैं, तो आपको सबसे फेवरेट आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका? ज़्यादा तो हम ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पर आने का आपका विचार है कभी? इंस्टाग्राम है लेकिन उतना सक्रियता कम रहती है। आपने कभी ऑड इवन रूल तोड़ा है? नहीं, कभी नहीं। जो जनता तोड़ती है उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कहना है कि देखो पहली चीज़ ये समझना है कि ये कोई भी चीज़ क्यों होता है, हमारे फायदे के लिए हो रहा है, तो इसलिए जब आदमी को ये एहसास हो जाता है कि ये हमारे लिए है तो उस चीज़ को फॉलो करने लगता है। जिन लोगों का एहसास ये नहीं होता है उनको लगता है यार हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है, तो पहली चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे लिए हो रही है। पटाखे लोग खरीदते हैं, खुल धड़ल्ले से पटाखे बिक भी रहे थे, ये पटाखे मिल कर रहे थे? देखो पटाखे तो बाहर से आ रहे थे, दिल्ली में तो प्रतिबंधित था, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ जो राज्य हैं वहाँ पटाखे थे तो वहाँ से उड़ा रहे थे। दिल्ली में अगर साफ़ हवा होनी है, एक हमारा मिशन है कि 2024 में सब पटाखे फोड़ें, अगर दिल्ली ऐसी साफ़ हवा हो जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हवा कैसे साफ़? उसके लिए करना ये चाहिए कि जिस, चूँकि प्रदूषण जो हवा ख़राब हुई है उसको किया किसने ख़राब? हाँ जी, ये किसी और ने नहीं किया है, ये हम सब ने ही किया है, तो जिसकी वजह से हवा ख़राब हो रही है वो काम तो रोकना पड़ेगा, वो काम जब रुकेगा तो हवा साफ़ होगी, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। पॉल्यूशन से राइमिंग आपको तीन शब्द कोई आते हैं? पॉल्यूशन का एक तो सोल्यूशन जैसे हम बोल देते हैं, पॉल्यूशन का सोल्यूशन, ऐसे राइमिंग शब्द कभी होते हैं कैबिनेट में बैठ के? जरूरत पड़ती है, ऐसे सवाल ही पूछा जाता है। जैसे आप कभी घर जाते हैं तो कभी DTC बस में इलेक्ट्रिक बसें लोगों के लिए चल गई हैं, इलेक्ट्रिक बसों के अलावा अब जैसे कहते हैं केंद्रीय मंत्री भी कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो अगर सस्ती हो जाए तो लोग उसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्या इस पे कुछ विचार है दिल्ली सरकार? नहीं, सरकार की तरफ से तो जो पॉलिसी आई है सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, सभी लोगों को सब्सिडी दी जा रही है, टू व्हीलर पर सब्सिडी है, फोर व्हीलर सब्सिडी है, और उसका ही परिणाम है कि आज दिल्ली देश का पहला कैपिटल बन गया जहाँ नई गाड़ियों में 17% लोग अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं। दिल्ली में अगर हवा साफ होती है कुछ समय आने वाले समय में, मान लीजिए दिसंबर के एंड में फिर सुधरेगी हवा, तो लोगों को एक थोड़ी दिल्ली सरकार से भी थोड़ी अभी लोग भी गुस्से में हैं कि हवा जितनी ख़राब हो गई है, हमारी उम्र जो है घट रही है, लोग कह रहे हैं कि हमारी उम्र जो है 5-10 साल घट गई है, तो वो क्या डेटा ऐसा दिल्ली सरकार से क्यों गुस्से में हैं लोग? लोगों का यही कहना होता है कि हवा जब जो कैबिनेट में सरकार होती है या जो सरकार दिल्ली सरकार होती है उससे सवाल अपने नेता से लोग जानना चाहते हैं। नहीं तो नेता तो कह रहा है ना कि भाई जो गाड़ियां लेकर के बेवजह की दौड़ रहे हो उसे बंद करो, पोल्यूशन आ कहां से रहा है? ये बात
पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है? वो कह रहे पराली जलाते हैं लोगों को, दिल्ली वालों को तो पराली और पंजाब लोगों को ये पता है पराली जला रहे हैं, तो पराली के भी पराली जो जला रहे हैं उसका भी समाधान निकाल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है गुस्सा होने से इसका समाधान नहीं निकलेगा, समाधान निकलेगा कि जो हम काम कर रहे हैं जिससे प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने से निकलेगा ना। मैंने फिर कठिन सवाल पूछ लिए, दिल्ली की हवा ज़्यादा खतरनाक है जहरीली नागिन? देखो पहली बात यह है कि दोनों का अलग अलग अपना इम्पोर्टेंट है। हवा खासतौर से दिल्ली में धीरे धीरे साफ़ हो रही है पूरे साल। अब चुनौती है दिल्ली वालों के सामने सर्दियों में जब टेम्परेचर डाउन जाता है तो इसको साफ़ करने की, और साफ़ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। मैंने आपसे बहुत बुलाया, इसी के साथ ये सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अब आपको साफ़ पानी पिलाते हैं।